हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं RHS BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग के रिगार्डेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका अभी अप्रैल मंथ से मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मेन और प्रवेश एग्ज़ाम जो भी हैं, ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं वो होने वाले हैं, और उनमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आज की इस क्लास के अंदर हम CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो कि BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं और रिपीटेड हैं, सेलेक्टेड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, फटाफट से लाइक और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और इसके अंदर अपन CHN के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन हेल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड, कम्युनिटी हेल्थ CHN के रिगार्डेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेल्थ क्या होती है। CHN के रिगार्डिंग हेल्थ क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, देन डायमेंशनल ऑफ हेल्थ क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिनेशन आपसे हेल्थ का पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है हेल्थ का, और डायमेंशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े पर ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी एक ब्रांच है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एपिडेमोलॉजी का मींस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडेमोलॉजिकल मेथड, एपिडेमोलॉजिकल के अंदर जो अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड पूछा जा सकता है, जिसमें आपने ऐसा टाइप पढ़ा हो, ट्रायड पढ़ा होगा, जिसके अंदर एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट ऐसा आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसी में देखें तो एपिडेमोलॉजी को ही आगे डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल जो स्टडी होती है एपिडेमोलॉजी के अंदर, वो भी आपको पढ़ के जानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मोस्टली जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो पूछी जाती है, एनालिटिकली हालांकि कम पूछी जाती है बट पूछी जाती है, डिस्क्रिप्टिव मोस्टली पूछी जा सकती है, मोस्ट कॉमनली आपको ये पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल, ठीक है, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन और क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसका सेपरेटली एक वीडियो है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग पूरा एक बहुत ही सटीकली तरीके से आप सबको समझाया हुआ है, एक बार पढ़ के जरूर जाए उसको। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग मेथड, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सारे आपको पढ़ के जाने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, यानी डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। भाई जो सब्जेक्ट आप पेपर देने जाओगे उसका मीनिंग तो आपको याद होना चाहिए, उसके रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस आना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। देन रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं उसका क्या रोल होता है। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के प्रमोशन एंड मेंटेनेंस में क्या क्या रोल उसका होता है वो आपको याद होना चाहिए। देन आपसे पूछा जा सकता है फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ, हेल्थ को फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन आपसे पूछा जा सकता है गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या गोल होता है, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट 3 स्टार यहाँ पर बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। एक तो हेल्थ का रिगार्डिंग क्वेश्चन है और एक कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं, पॉपुलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है,
उसके साथ ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरीके से पॉपुलेशन का बढ़ना, इंक्रीजमेंट होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। उसके अंदर आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होते हैं, किन किन मेथड से अपन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करते हैं, यानी वेरियस मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन, देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारा कुछ डिटेल आपको पढ़ना है। सारा ही एग्जाम में पूछा जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार मार्क बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, उससे पहले वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे भी ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वाइटल स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तीन तारे बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में आना पक्का है, ठीक है। तो वाइटल स्टैटिक्स के रिगार्डिंग आपने IMR पढ़ा होगा, MMR पढ़ा होगा, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, मोर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, सारे इसी के अंदर आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इसको आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है, बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीन तारे बना लीजिएगा, पढ़ के जाना ही जाना है, इसको छोड़ के ही नहीं जाना है, पढ़ना है किसी भी कंडीशन में, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, देन स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज होती है उसके अंदर क्या क्या स्कोप्स होते हैं, वो सारे कुछ आपको पढ़ के जाना है। देन पढ़ के जाना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल, यानी कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, जो आपका सोशोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन सोशोलॉजी के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन इम्पैक्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पढ़े, दोनों में ही आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इसके कंट्रोल मेथड्स क्या 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 होते हैं, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रोल आपसे पूछे जा सकते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक अभी कोविड 19 चल रहा है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, और डिजीज़ के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल होता है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। और दूसरा, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद होना चाहिए कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ क्या क्या होती हैं, दोनों के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज़ आती हैं, एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए, और दोनों को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो आपको याद होना चाहिए, दोनों के अगेंस्ट प्रिवेंशन कैसे करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो जनरल क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मेथड कौन कौन से हैं, जैसे कि एयरबोन है, ठीक है, ड्रॉपलेट है, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी ये ट्रांसमिशन मेथड्स आपको पढ़ने हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें, तो फूड एडल्ट्रेशन है, शॉर्ट नोट्स है आपके लिए, फूड एडल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। देन हेल्थ प्रमोशन क्या है, हेल्थ प्रमोशन के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइस जो भी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स 72 आवर के विदिन जो होते हैं वो है, और उसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो सारे कुछ आपको पढ़ के जाना है। देन फूड हाइजीन क्या होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ के जाना है, और क्वेश्चंस पढ़े कि नहीं पढ़े वो आप पे डिपेंड करता है, बट इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से आपको देख के ही जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे मैं बता रहा हूँ ऐसे एज इट इज रिपीट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, देन मेथड ऑफ स्पेसिंग, अभी स्पेसिंग क्या होता है आप सबको पता होगा, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो स्पेसिंग मीन्स स्पेस करना, यानी कि बिटवीन गैप रखना है ना, यानी फैमिली प्लानिंग मेथड्स ही आ जाता है ना, तो ये भी याद रखना है आपको, फैमिली प्लानिंग ही है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के सॉरी हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हाउसिंग मेथड्स या हाउसिंग आपसे पूछा जा सकता है। देन आर सी एच लेटरिन जो होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट कोल्ड चेन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क बना लीजिएगा, तीन तारे लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर बोन डिजीज़। वाटर बोन यानी वाटर के थ्रू फैलने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है ये, कैसे होती है, मोड क्या होता है, इनका सारा कुछ आपको पढ़ना है। देन NRHM क्या है, देन PSC CSC के बारे में आपको पढ़ना है, देन वाटर प्योरिफिकेशन और इसके मेथड्स आपको पढ़ने हैं, देन इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, देन डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि रूबेला है, मीजल्स हैं, रेबीज है, टिटनस हैं, टाइफॉइड हैं, कोलेरा है, ऐसे जनरली जो क्वेश्चन हैं उनका शॉर्ट नोट्स करके पूछा जा सकता है। जैसे मीजल्स दे दिया, उसका शॉर्ट नोट्स आप बताइए, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो ये जनरली कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप सबने देखे और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं यदि इन सब का डिटेल स्टडी आप करना चाहते हैं तो। और बाकी इतना ही, आज के वीडियो को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी इसके रिगार्डेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचते रहे और आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।